हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट एंड पेपर क्रशर का अनबॉक्सिंग, रिव्यू और कंपैरिजन करूँगी। तो ये दो क्रशर्स मैंने ऑर्डर किए हैं जिनका फंक्शंस अलग अलग है। ये जो क्रशर है ये क्यूआईस कंपनी की तरफ से है, जो कि मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आता है विथ पुश बटन, और ये यूनिकिस कंपनी की तरफ से है, जो कि रेगुलर हम जो यूज़ करते हैं उस टाइप के क्रशर हैं। तो अभी हम इन प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर हम इनका कंपैरिजन और रिव्यू भी करते हैं। सो ये सेट ऑफ टू है और इसका साइज़ काफ़ी छोटा है और क्वाइट हैवी भी है, बट देन इट विल बी क्वाइट हैंडी। ओके, देखते हैं अभी इसको। थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है। ये है पुश बटन इसका। अब देख सकते हैं कितना छोटा है ये। ये दूसरा प्रोडक्ट है, हम इसको अनबॉक्स करते हैं अभी। कंपैरिजन में इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। यस, काफ़ी बड़ा है ये, अच्छा दिख रहा है एक्चुअली ये भी। हम चेक करते हैं दोनों को भी। आप देख सकते हैं दोनों साइड बाय साइड। अभी हम ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ करके देखते हैं कैसे फंक्शन करता है और कंपेयर करके देखते हैं विच इज़ बेटर। तो अभी हम इसमें सॉल्ट और पेपर ग्राइंड करके देखेंगे कि कैसे फंक्शन करता है। ये इस तरीके से है। मैं पहले पेपर डाल रही हूँ। ये एक्चुअली काफ़ी छोटा है, इसमें डालने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। इसमें पेपर डाला है मैंने अभी, इसमें सॉल्ट डालते हैं दूसरे इसमें। पहले हम ब्लैक पेपर चेक कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे से क्रश हो रहा है और काफ़ी स्मूद है। अभी हम सॉल्ट क्रश करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल जा रहा है मुझे, शायद क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, मैं थोड़ा कम करके देखती हूँ। अभी मैंने इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम कर दिए हैं, अभी लेट मी ट्राई। हाँ, अभी इट्स वर्किंग। आप देख सकते हैं ये जो हिमालयन रॉक सॉल्ट था ये बहुत अच्छे से क्रश हो गया है, एकदम बारीक। जब मैं रॉक सॉल्ट क्रश कर रही हूँ सो बीच बीच में ये जैम हो रहा है, तो इसको अगर आप शेक करेंगे ऐसे तो फिर से वो स्मूथ हो जाता है। ये देखिए, देखिए अभी जैम हुआ है, सो मुझे इसको शेक करना है एंड देन फिर से स्मूथ हो गया। अभी हम ये दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। इसका माउथ काफ़ी ब्रॉड है, सो पोरिंग के लिए क्वाइट ईजी है ये। अभी इसका ये लिड ओपन करना है हमको एंड देन विल क्रश इट। ये भी क्वाइट स्मूथ है और वेरी इजीली हो रहा है, क्वाइट अ गुड प्रोडक्ट। अभी रॉक सॉल्ट क्रश करके देखते हैं। यस, इट्स वर्किंग फाइन, काफ़ी ईजीली हो रहा है, इसमें जाम भी नहीं हो रहा है कुछ भी। इसका और एक फ़ायदा है,
पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्ट या पेपर चाहिए होगा, देन आप इसकी लिड को लगा सकते हैं एंड देन आप इसको क्रश कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं आपको जितना अमाउंट चाहिए, आप डायरेक्टली इसको ओपन करके उतना पोर कर सकते हैं खाने में डायरेक्टली। जैसे कि आपने देखा, दोनों भी प्रोडक्ट की क्रशिंग क्वालिटी और आउटकम ऑलमोस्ट सेम ही हैं, और इसके साइज़ की वजह से ये अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़फुल और कन्वीनियंट होगा। जैसे कि ये जो क्रशर है, ये कुकिंग के लिए किचन में काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि ये साइज़ में बड़ा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसमें सॉल्ट या पेपर डाल सकते हैं। ये दिखने के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है और इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, सो ये टेबल में सर्विंग पर्पज़ के लिए बहुत कम्फर्टेबल और हैंडी रहेगा। और द बेस्ट पार्ट ये है इसका कि ये आप सिंगल हैंड से यूज़ कर सकते हो। जहाँ तक ड्रॉबैक की बात है, इसमें मुझे कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगा, लेकिन इसको टेबल पे यूज़ करना थोड़ा इनकन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है और इसको यूज़ करने के लिए दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे इसका भी कोई ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन जब मैं सॉल्ट क्रश कर रही थी, ये बीच बीच में जैम हो रहा था और मुझे इसको शेक करना पड़ रहा था। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि दोनों भी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे और यूज़फुल हैं। ये किचन में खाना बनाने के लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा और ये टेबल में सर्विंग पर्पज़ के लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।